बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस रही हैं जो अपनी शुरुआती फिल्मों से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही थी। आज भी हम आपको एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं जिसने शुरुआत में ही ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी, लेकिन बाद में उनका करियर ढलान पर चला गया। आज ये एक्ट्रेस बॉलीवुड से दूर गुमनाम जीवन जी रही हैं। इसकी एक फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। क्या आप समझ पाए कि यहाँ पर किस एक्ट्रेस की बात हो रही है? चलिए हम आपको बता देते हैं कि वो एक्ट्रेस कौन है। 44 साल की हुई लगान की ग्रेसी सी, जिस एक्ट्रेस की हम आपसे बात कर रहे हैं उनका नाम है ग्रेसी सी। ग्रेसी सी आज अपना 44वां जन्मदिन मना रही हैं। उनका जन्म 20 जुलाई 1980 को नई दिल्ली में हुआ था। वे अपनी फिल्म लगान से बड़े पर्दे पर छा गई थी। क्रिकेट से जुड़ी इस फिल्म में उन्हें गौरी नाम की एक गांव की लड़की का किरदार निभाया था। संजय अजय संग भी किया काम। लगान की अपार सफलता के बाद ग्रेसी सी स्टार बन गई थी। उन्हें फिल्मों के ऑफर भी खूब आने लगे थे। बाद में बता दें कि ग्रेसी सी ने अजय देवगन के साथ गंगाजल और संजय दत्त के साथ मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्मों में भी काम किया था। इसके अलावा भी साल 2004 की फिल्म मुस्कान में भी नजर आई थी। टीवी सीरियल्स में भी किया काम। बॉलीवुड में काम करने से पहले ग्रेसी टीवी सीरियल्स में नजर आई। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी से की थी। ग्रेसी सी ने साल 1997 में सीरियल अमानत में काम किया था। इसके बाद उन्होंने साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म हुत्तुत्तु से बॉलीवुड डेब्यू किया। ग्रेसी को मिला था घमंडी एक्ट्रेस का टैग। लंबे समय से बॉलीवुड से दूर ग्रेसी सी गुमनाम एक्ट्रेस बनकर रह चुकी हैं। उन्हें बॉलीवुड में घमंडी एक्ट्रेस होने का टैग भी मिल चुका है। दरअसल लगान में वे गांव की एक मासूम और भोली भाली लड़की के किरदार में नजर आई थी। बाद में अपने किरदार में ऐसी डूबी कि असल जिंदगी में भी लोगों से कम बातचीत करती थी। इस वजह से एक्ट्रेस को घमंडी कहा जाने लगा था। आज ग्रेसी सी भले ही गुमनाम हो गई है, लेकिन उनकी फिल्मों के किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं।